नमस्कार, मैं हूं देवांशी मेहता। क्रिकेट जगत में जब जब दो सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की बात होगी, तब तब सिर्फ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का नाम लिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों ही बल्लेबाजों के नाम एक जितने ही छक्के मारने का रिकॉर्ड है। बता दें, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड पाक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के नाम था, जिसकी बराबरी विंडीज धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने कर ली है। बता दें, दोनों ही बल्लेबाजों के नाम 476 छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया क्रिस गेल के नाम से भी खौफ खाती है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट के जरिए गेल को एक चुनौती दे डाली है। आपको बता दें, इस समय क्रिस गेल के नाम 443 इंटरनेशनल मैचों में 476 छक्के दर्ज हैं, तो वहीं पाकिस्तान के तूफानी बल्लेबाज अफरीदी ने 524 मैच में 476 छक्के लगाए थे। अफरीदी अब संन्यास ले चुके हैं, तो पूरी उम्मीद है कि गेल उनको पीछे छोड़ देंगे। गेल को जवाब देते हुए शाहिद अफरीदी ने ट्वीट के जरिए क्रिस गेल को चुनौती दे डाली। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूनिवर्सल बॉस अगर मेरे इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मेरी इच्छा है कि मेरा और गेल का एक सिंगल विकेट मैच हो जिसमें आउट होने का कोई डर ना हो और लोगों को छक्कों की बारिश देखने का अवसर मिल सके। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अफरीदी के इस चैलेंज का गेल क्या जवाब देते हैं। वैसे अगर ये मुकाबला हमें देखने को मिलता है, तो वाकई इस मैच में रनों के साथ साथ छक्कों की बारिश देखने मिलेगी।